मुजफ्फरपुर में मतगणना केंद्र पर दो पक्षों में झड़प, मोबाइल से वोटिंग करने की अफवाह पर हुई घटना, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर में ट्रक ने स्कूल बस को मारी टक्कर, चांदनी चौक पर हुआ हादसा, बस चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक फरार। नगर निगम की राजनीति, पटना से कानूनी सलाह लेकर लौटे मेयर सुरेश कुमार, विपक्षी खेमे के पार्षदों ने 29 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की, तिथि की है निर्धारित। मुजफ्फरपुर में धड़ल्ले से बेचे जाते हैं मिलावटी खाद्य पदार्थ, सैंपल लेकर कर दी जाती है खाना पूर्ति, सिर्फ होली दिवाली में मिलावट की जांच करने निकलते हैं अधिकारी, 10 वर्षों में महज 3 को जुर्माना। मुजफ्फरपुर मतदान केंद्रों पर प्रत्याशी समर्थकों की दबंगई, मुशहरी प्रखंड के रामदयालु में बूथों पर हंगामा, पुलिस ने पहुँच कर खदेड़ा। वोटिंग से पहले रिजल्ट जारी, चौथे चरण की सीटों पर 3,220 निर्विरोध निर्वाचित, इनमें 3,104 पंच, एक मुखिया और 115 पंचायत सदस्य भी शामिल। राष्ट्रपति का कार्यक्रम छोड़ कुशेश्वरनाथ में कैंप करेंगे तेजस्वी, 3 दिन चुनावी सभा करेंगे लालू ने नीतीश से पूछा, विधानसभा भवन को आरएसएस को गिरवी रखेंगे। तेजस्वी बोले खेला हो जाएगा, तारापुर में नेता प्रतिपक्ष ने कहा दोनों सीटें आरजेडी की झोली में डाल दे तो खेला हो जाएगा। टावर में लगी आग से मची अफरा तफरी, पटना के कदम कुआं में मकान की छत पर बने टावर में लगी आग, 5 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। पटना के 476 बूथों पर मतदान, बेहटा और दुल्हिन बाजार में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, 2 आदर्श मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग। श्राद्ध का भोज खाकर लौटे लोग बीमार, मुजफ्फरपुर में एक ही गांव के करीब 20 बच्चे समेत 30 लोग बीमार, एक बच्चे ने तोड़ा दम। खगड़िया में बारिश के बीच मतदान, कहीं छाता लेकर बूथ पर खड़े दिखे लोग तो कहीं जलजमाव के कारण हो रही परेशानी। कटिहार में बूथ में टेबल कुर्सी तक नहीं, फर्श पर ईवीएम रख कर कराई जा रही वोटिंग। रोहतास में पेड़ से टकराई स्कूल बस, 6 बच्चे घायल, संतुलन खोकर अब चालक ने पेड़ में मारी टक्कर, घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती। दरभंगा में वज्रपात से 2 महिलाएं झुलसी गंभीर हालत में, एक महिला को किया गया डीएमसीएच रेफर, दूसरे की हालत में सुधार। सीतामढ़ी के मिर्जापुर पंचायत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़, प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह गायब। कश्मीर में आतंक के शिकार मजदूर का शव पहुंचा अररिया, दोनों रोजगार के लिए गए थे, बदले में मिली गोली। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान, कैमूर के कुछ बूथों पर ईवीएम में आई खराबी, आधा घंटा देर से शुरू हुई वोटिंग। अररिया के सीमाई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, नेपाल में भारी बारिश के कारण घुसा पानी, कोसी बैराज के 42 फाटक खोले गए। ट्रेन के डिब्बे में की वोटिंग, रोहतास में मिडिल स्कूल के क्लासरूम को ट्रेन कंपार्टमेंट का दिया रूप, वोटर्स ने खूब ली सेल्फी। बगहा में वोट देने गए रिटायर्ड होमगार्ड जवान की बूथ पर मौत, उंगली पर स्याही लगवाकर जैसे वोट डालने पड़े, बेहोश होकर गिर गए। नाव से बूथ तक पहुंचे मतदाता, खगड़िया में नाव के सहारे कोसी नदी के पार मतदान केंद्र तक पहुंचे, मूसलाधार बारिश में भी दिखा उत्साह। तेजस्वी लौटे तो ललन कूदे, तारापुर उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार राजीव सिंह के पक्ष में 3 दिनों तक कर रहे कैंप। नालंदा में सड़क हादसे में एक की मौत, 2 घायल, मोहनपुर गांव के आसपास अज्ञात वाहन ने मैजिक वैन को मारी टक्कर, चालक की गई जान। दीपावली और छठ में बिहार आने वाले लोगों की बड़ी मुसीबत, ट्रेन में टिकट नहीं तो प्लेन का किराया हुआ 2 गुना। सीवान में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, मैरवा व गोरिया कोठी में अलग अलग सड़क हादसे में 2 की गई जान, छानबीन में जुटे पुलिस। सीतामढ़ी समाहरणालय के सामने शराब की बोतलें, मेन गेट पर कूड़े में मिली शराब की खाली बोतलें, जिला प्रशासन को खुली चुनौती। भैंस के तबेले में घुसा मगरमच्छ, बगहा के शास्त्री नगर मोहल्ले में घुसा मगरमच्छ, लोगों ने लाठी डंडे के सहारे नदी में भेजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पटना, बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और कई मंत्री भी राष्ट्रपति के स्वागत में एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। बेगूसराय में महिला स्वास्थ्य कर्मी से 1 लाख की छिनतई, बैंक से पैसे निकाल कर घर जा रहे दंपति, 22 सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।